हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है वैरेक्टर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो वैरेक्टर है, ऐसा ही हमने दूसरा एक डायोड पढ़ा था जिससे हमने बोल दिया था वेरिएस्टर। अब वेरिएस्टर यानी क्या, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेरिएबल रेजिस्टर। यानी वेरिएस्टर का यूज हम किस काम में लेते थे, रेजिस्टेंस को वेरी कराने के लिए। उसी तरीके से अगर वैरेक्टर जो डायोड है हमारा, उसे अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो कुछ ऐसे होगा, वेरिएबल कैपेसिटर, तो उसे बोल देंगे वैरेक्टर। यानी वैरेक्टर का यूज हम किसके लिए करते हैं, कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए। यानी ये वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पे काम आता है। और ये जो वैरेक्टर है वो भी दो टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यहां पे आप फिगर देख सकते हो, दो टर्मिनल है और ऊपर जो ब्लैक पोर्शन है वो पीएन जंक्शन डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे आप इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे ऐसे ही कैपेसिटेंस चेंज होता रहता है, इसलिए हम बोल देंगे वेरिएबल कैपेसिटर। एग्जाम में आप क्या लिखोगे, तो एज वोल्टेज चेंजेस इट्स कैपेसिटेंस ऑल्सो चेंजेस, विच इज अ टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज करो ऐसे उसका कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखी है मैंने, ठीक है। क्या लिखा है, एज विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर चेंजेस इट्स कैपेसिटेंस चेंजेस। यानी पहले तो हमने क्या बोला था कि ये वेरिएबल कैपेसिटेंस देता है क्या, वैरेक्टर, ठीक है। अब कैसे वेरिएबल कैपेसिटेंस देता है, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो वैरेक्टर को दे रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैरेक्टर हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस देगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन दूसरी कौन सी आई, कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो चेंज होने पर भी हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा। यानी दो चीज से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, पहला कौन सा है, इनपुट वोल्टेज से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है और दूसरा डिप्लेशन लेयर चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज और डिप्लेशन लेयर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिप्लेशन लेयर चेंज हुआ तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ। तो सबसे पहले हम एक पीएन जंक्शन डायोड ले लेंगे। अब पीएन जंक्शन डायोड जब हम लेते हैं तो हमें पता है क्या, कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी टाइप के होल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, एक डिप्लेशन लेयर बनती है। तो ये हमारी हो गई पूरी डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अच्छा, अब ये डिप्लेशन लेयर में क्या होगा कि यहां से नेगेटिव चार्ज गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज गया, यहां पे से होल गए पॉजिटिव चार्ज गया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गए। यानी कि ये जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कुछ कुछ, ये एन हो गया ये पी हो गया, वो कुछ कुछ दो प्लेट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये पी और एन दो प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं जो कि चार्ज है, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कैपेसिटर, जिसके पास कुछ कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। अब कितना कैपेसिटेंस होगा, तो हम 12th में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के चैप्टर में, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो ये कैसे लिखोगे एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, हमेशा ये रिवर्स बायस कंडीशन पे ही ऑपरेट होता है। यानी कि क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, और बैटरी का प्लस टर्मिनल नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, यानी रॉन्ग कनेक्शन। अब इसे रिवर्स बायस पे ही क्यों यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस पे क्यों नहीं, तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता है डिप्लेशन लेयर कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तब ये दो प्लेट एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, तब हमें कुछ कैपेसिटर जैसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं। इसलिए हमेशा ये जो वैरेक्टर है ऑलवेज रिवर्स बायस में यूज होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होता है,
ठीक है। हियर पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक टू चार्ज्ड प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिप्लेशन लेयर, ये जो डिप्लेशन लेयर है ये डिप्लेशन लेयर कैसे एक्ट करती है, तो एज अ डाई इलेक्ट्रिक। हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में कुछ मीडियम होता है, जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, या फिर कोई क्रिस्टल भर के रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, या फिर ऑयल भर के रख दिया उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और डाई इलेक्ट्रिक की परमी टीवीटी जो है वो एप्साइलॉन नॉट लिखते थे, एरिया प्लेट का हम लिखते थे, और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, यानी हमारे केस में क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर की विड्थ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब डिप्लेशन लेयर चेंज होने पे कैसे कैपेसिटेंस चेंज होता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे दो केस है, जब वी आर हाई है, वी आर यानी क्या, रिवर्स बायस है, तो ये रिवर्स पोटेंशियल हो गया, रिवर्स वोल्टेज हो गया। जब वी आर हाई लिया, हाई यानी क्या, सपोज पहले 1 वोल्ट लिया, ठीक है, फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे करके डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इसके पास प्लस है, ये प्लस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन यानी माइनस है। जैसे जैसे रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ये दो टर्मिनल का पावर बढ़ता जाएगा, यानी इन दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्शन से इसे रिपेल करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्शन से इसे रिपेल करेगा, तो ये डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी जब रिवर्स पोटेंशियल हाई है, यहां पे पहले एक था, फिर 15 कर दिया, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स यानी ये होल यहां आने लगे, इलेक्ट्रॉन यहां जाने लगे, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कैपेसिटेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट सोचते हैं, जैसे कि रिवर्स पोटेंशियल कम कर रहे हैं, पहले 15 था तो हाई पावर से खींच रहा था, डिप्लेशन लेयर फैल गया, अब पोटेंशियल घटा रहे हैं, वीआर घटा रहे हैं, तो ये इतना एट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएगा, तो डिप्लेशन लेयर कम होगा यानी डी कम होगा यानी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर चेंज होने पर कैपेसिटेंस भी चेंज होता है, या फिर बोल लो पोटेंशियल चेंज होने पर, इनपुट पोटेंशियल चेंज होने पर कैपेसिटेंस चेंज होता है, किसका, वैरेक्टर का। इसलिए वैरेक्टर को हम वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पे यूज करते हैं। अब यही चीज वोल्टेज चेंज होने पर कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ, या डिप्लेशन लेयर चेंज होने पर कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ, हम ग्राफ के तौर पे भी समझ सकते हैं। कैसे, तो यहां पे मैंने सीटी लिया है, सीटी यानी क्या, जो कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है हमारा, उसका ट्रांजिएंट यानी चेंज होना। ठीक है, और यहां पे हमने लेके रखा है रिवर्स पोटेंशियल वीआर, ये इसका वैल्यू वोल्टेज में वोल्ट में ले लेंगे, और यहां पे पीको फैराड यानी 10^-12 फैराड के बराबर ले लेंगे। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए पॉइंट पे अगर फोकस करें तो ए पॉइंट पे हमारा ये जो रिवर्स पोटेंशियल कैसा है, कम है, स्टार्ट हो रहा है अभी, तो 2 से बढ़ रहा है तो कम है, यानी रिवर्स पोटेंशियल कम है। अगर रिवर्स पोटेंशियल कम है यानी पावर कम है अट्रैक्शन का, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर कम होगा। तो यहां पर मैं लिख लूं डिप्लेशन लेयर कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये पॉइंट पे क्या, कि हमारा रिवर्स पोटेंशियल कम है लेकिन कैपेसिटेंस मैक्सिमम है, यहां पर कैपेसिटेंस का वैल्यू 600 के आसपास है। ठीक है, उसी तरीके से बी पॉइंट पे अगर देखे तो क्या है, रिवर्स पोटेंशियल कैसा है, मैक्सिमम है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगर रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा, एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, डिप्लेशन लेयर ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हैं कैपेसिटेंस कितना है, 100 फराड के बराबर, जबकि रिवर्स पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है। तो इस तरीके से वोल्टेज चेंज करने पर, या बोल लो डिप्लेशन लेयर चेंज करने पर, रिवर्स बायस कंडीशन में कैपेसिटेंस चेंज होता है, यानी कि इसे हम बोल देंगे वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, अब इसके कुछ नंबर आते हैं, तो यहां पे मैंने लिख के रखा है ये जो डायोड है उसके नंबर TIV 308 MAV, ये जो है वो। ठीक है, ये आप जब अपकमिंग सेमेस्टर में जाओगे, बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, तब इसके सारे मतलब अभी आएंगे, अभी तक के लिए सिर्फ आप याद करके लिख के आना, और इसका ये एप्लीकेशन लिख के रखा है जो आपको एग्जाम में लिखना है, आपने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।